Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big business ideas. आशाएं जब उमंगों का हाथ पकड़ लेती हैं, तो एक नए कारवां का जन्म होता है। इसीलिए आपके व्यवसाय का नयापन आपका व्यापार, आपका व्यवसाय पूरी तरह से बढ़ा सकता है। कैसे? ये बताने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर विद वन ऑफ द मोस्ट हाई टीआरपी रेटेड बिजनेस शो बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। हजारों सालों पहले लोगों का दैनिक जीवन बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे तकनीक आई और लोगों का जीवन आसान होता चला गया। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना सिर्फ हमारा दैनिक जीवन आसान बन रहा है, बल्कि हमारा आर्थिक जीवन भी सुदृढ़ हो रहा है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए अपने बिजनेस का आकार और बड़ा करने के लिए, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आइए सर। तो सर, हम लोग जो आज बात कर रहे हैं, बेसिकली बिजनेस और टेक्नोलॉजी, ये कैसे आपस में एक दूसरे को रिलेट करती हैं एंड हाउ एक्चुअली टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस टू इंक्रीज आवर बिजनेस, कैसे किया जा सकता है ये? देखिए, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है वो है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे एम्प्लॉय का आपस में, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है, बिजनेस का कस्टमर से अपने कंज्यूमर से स्ट्रांग हो जाता है कम्युनिकेशन, और बिजनेस का गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट का बिजनेस से कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। जी, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। आप जो बात कहते हैं उसका तुरंत रिस्पांस भी आपको मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। जी, दूसरा एडवांटेज हम देखें, मार्केटिंग है। मार्केटिंग जो है आज के जमाने में तो बिगर टेक्नोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हैं तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। जी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनको आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए एक प्रोडक्ट ऐसी है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो कि 18 से 25 साल के लोगों के लिए है। जी, तो आप उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डॉक्टर्स के लिए है। जी, तो आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं आप जो कि गृहिणी के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यदि हम तीसरा फायदा देखना चाहें, तीसरा फायदा प्रोडक्टिविटी है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है टेक्नोलॉजी का सहारा लेके। जी, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको यदि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे तो हम ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। यदि कोई सर्विस आप दे रहे हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ज्यादा जल्दी दे सकते हैं, आप चैट के बहाने से दे सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। जी, तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेके आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपने, चाहे प्रोडक्ट हो आपकी चाहे सर्विस हो। तो इसी तरीके से यदि हम देखें तो कंज्यूमर सर्विस आ गया चौथा। कंज्यूमर सर्विस जो है वो आप 24/7 दे सकते हैं, कि आपकी शॉप कभी क्लोज ही नहीं होती। कंज्यूमर को जो भी कुछ बोलना है ऑलवेज ऑनलाइन, आपको जो भी कुछ बोलना है तो आप हमेशा बता सकते हैं। तो जैसे ही आप बताएंगे तो आपके पास पहुंच गया कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और पांचवी बात जो हुई, पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग मतलब हो गया कि आज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक आदमी बॉम्बे में काम कर रहा है, एक दिल्ली कर रहा है, या एक लंदन में काम कर रहा है, या हम एक छोटे विलेज में काम कर रहे हैं और एक बड़े शहर में काम कर रहे हैं। जी, तो हम लोगों को एक दूसरे के पास जाने के बदले हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, और साथ में हम डॉक्यूमेंट भी अपने, एक डॉक्यूमेंट दूसरी जगह भेजना है तो हम ऑनलाइन भेज सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो हमें कम्यूट नहीं करना पड़ता। एक तरह से टेली कम्यूटिंग हो गई वो। बिल्कुल। तो ये पांच बड़े फायदे हैं टेक्नोलॉजी को
को अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक चीज जानना चाहूंगी सुरेश जी, जब हम लोग बात करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाने की, ऑब्वियसली जब एक नई तकनीक आती है तो उससे समाज में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ऐसे में जब हम एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जो हमारा एक पारंपरिक तरीके से कोई एक काम चला आ रहा है उसको हम चला रहे हैं, उसमें जब ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं जो हमारा ऑलरेडी चलता हुआ काम है जो ट्रेडिशनल है उसको एक धक्का मिलेगा पीछे? नहीं, बिल्कुल धक्का नहीं मिलता, क्योंकि उसको सपोर्ट मिलेगी। देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उस काम को एक्यूरेट कर रहे हैं और उस काम को फास्ट कर रहे हैं, तो उससे कोई तकलीफ या कोई परेशानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उससे तो कुछ तकलीफ आपको होने वाली नहीं है, उससे तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। जी, जब कोई व्यक्ति तकनीक के बारे में सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज होगी, तो जब हम टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ऐसा कोई एक प्रोसेस है, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे स्टेप हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला स्टेप होता है जी, वो होता है कि आपको देखना होता है कि आपकी इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी होती है आपकी, या सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है आपका पूरा अपनी प्रोडक्ट को जीरो टू फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए, उसको आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब उसको अपने टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, जो भी आपके मैनुअल प्रोसेस हैं उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपने सोचना होता है कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, कि आज तो मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसके बाद मेरा सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा या सेकंड लाइन ऑफ सर्विस क्या होगी। एक थर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं विश लिस्ट, या हमारी अब क्या सोचते हैं कि अगर मैं उसे हम इनोवेशन भी बोलते हैं जी। उसका मतलब हो गया कि क्या मैं इनोवेट करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट में, क्या नया करना चाहता हूँ, क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि जब एक समय आएगा जब आपकी प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगी, खूब बिकने लगेगी, फ्यूचर प्रोडक्ट आपकी स्टेबल हो जाएगी, बिकने लगेगी, तो फिर आप आ जाते हैं कि मैं इनोवेशन क्या करूं जिससे कि वो जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल हो सके। क्योंकि जितनी ज्यादा यूजफुल आपकी प्रोडक्ट होगी उतनी ज्यादा बिकेगी वो। बिल्कुल। तो फिर स्टेप होता है कि उस टेक्नोलॉजी को मेरे को इन हाउस डेवलप करना है या मेरे को उसको बाहर से किसी से बनवाना है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि इन हाउस करना है तो आपके पास उतने लोग होने चाहिए जिनके पास वो विजन हो और साथ में वो इस तरह से जो स्किल सेट हो, वो स्किल सेट हो, वो सब चीजें हो, तब कर सकते हैं। नहीं तो आप उसे बाहर से बनवा सकते हैं या बाहर से वो टेक्नोलॉजी को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट आप विदेश से भी कर सकते हैं, अपने देश में से भी कर सकते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी उनसे इंपोर्ट करते हैं तो आपको बड़े अच्छे टर्म्स कंडीशन ध्यान से लेने चाहिए कि भाई कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसके ट्रेनिंग लाइन क्या होगी, इंप्लीमेंट के बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम पूरी उस टेक्नोलॉजी को अपने उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी, आपने अभी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप बताया था कि सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमने एक्चुअली क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या हमारी आशाएं हैं, क्या हम कुछ नया करना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया है, कुछ नयापन वो लेकर आए हैं एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग में, तो उन्हें बुला लिया जाए अपने साथ यहाँ सर। आप दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि अब जो मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ रहे हैं, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपने अपने स्किल में टेक्नोलॉजी का कैप लगाकर एक ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर्मेट में तब्दील किया, जिसकी वजह से आज साल भर में करीब 25,000 डॉक्टर्स इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं द डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर सुमेर सेठी। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर। वेलकम प्लीज। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक ही चीज जहन में आती है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर, नाउ यू आर टोटली इनटू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग द डॉक्टर्स। How that vision started, how that idea started in your mind? Actually, मैं बोलूँगा कि ऐसा प्लान नहीं था जी। लेकिन हमारी जो शुरुआत हुई वो मैंने MBBS मेरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया है जी। और MBBS के बाद हम लोग को एक एग्ज़ाम देना होता है जिसे हम PG मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं जी। जिसके आधार पे डॉक्टर्स चुनते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करेंगे। Okay. किसी ने स्किन में स्पेशलाइज करना है, सर्जन बनना है, वो उस एग्जाम की रैंक्स के आधार पे स्पेशलाइज कर पाते हैं। okay. जब मैंने मेरे समय पे ये एग्जाम लिखा तो
तो मैंने ऑल इंडिया टॉप किया अपने एग्जाम के अंदर, और उसके बाद मैंने रेडियोलॉजी के अंदर अपना एमडी किया। ओके। तो जब मेरा ये रैंक आया तो बहुत सारे जूनियर्स जो थे कॉलेज के अंदर और जो दिल्ली के अंदर और कॉलेजों में जो इमीडिएट जूनियर थे या एक साल जूनियर थे जी। वो आना शुरू हो गए मेरे पास कि कैसे पढ़ें, गाइडेंस के लिए कि कैसे पढ़ें। और सबको एक हमेशा ही डाउट रहता था कि जो हम कॉलेज में ट्रेडिशनली पढ़ते हैं जी। और जो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड है जी। चार चॉइसेस के साथ उसमें चुनना रहता है, तो उसमें जो गैप है जो एक सब्जेक्टिव एग्जाम को लिखने में और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, उसको लेके बहुत लोग मुझसे पूछने लगे। कहीं ना कहीं वो मेंटरशिप का एक जगह लेती गई, वो टीचिंग को लेती गई, और हमने एक बैच शुरू किया पढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर जी। हमें नहीं पता था कि हम इसको अगला बैच भी चलाएंगे, लेकिन जब वो पहले बैच में रिजल्ट्स आए और लोगों को, डॉक्टर्स को अपनी चॉइस की ब्रांचेस मिली और लोग आने शुरू हो गए। बिल्कुल, वही रिजल्ट दिखा सबको, तो आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स स्टार्ट पोर रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि टीचिंग ऐसा मेरा प्लान था, लेकिन जो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करने लगे कि ये हाँ जो आप पढ़ा रहे हो समझ आ रहा है। सो कहीं ना कहीं कॉल थी शायद, लेकिन शायद अंदर से थी, हमें नहीं पता था, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि टीचिंग मेरा पैशन है। We have a surprise for you. Please have a look. हम अपने स्टूडियो से लाइव क्लासेस रन करते हैं। We teach them via the satellite session. We are able to bring about equal education to students who are in metropolitan cities and say students who are in far, far flung cities like maybe Imphal or like maybe Tanda, where there is not possible to reach out to them as a live session. तो ये basically उसी gap की बात हो रही है जिस gap के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। इस तरीके से आप पढ़ाते हैं ना, इट इज एन इनोवेटिव वे, जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि शायद आज हम और आप रूबरू हो पाए हैं। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर दीप्ति साहिबा ने जी, कि हम हर विलेज में, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो एजुकेशन दे रहे हैं वो सबको बराबर हो गई। बिल्कुल। पहले क्या होता था, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो में तो बड़े अच्छे लेक्चरर मिल गए, उनसे आपने ले लिया, और आप विलेज में बैठे हैं तो आपको कोई बताने वाला कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से वही सारी सुविधा उनको वहां बैठे मिल गई, वहां बैठे, तो उनको वापस नहीं आना जी। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज टेक्नोलॉजी का, ये जो आपका एक तरीका है पढ़ाने का, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एंड हाउ दैट थिंग लाइक केम इन एसोसिएशन विद योर इंस्टीट्यूशन, सो हाउ दैट स्टार्टेड। जब हमने दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया तो हम लोग का विजन था प्योर ब्लैक बोर्ड चौक या ब्लैक बोर्ड मार्कर बेस्ड टीचिंग, हम उसी तरीके से पढ़ाते हुए हमने धीरे धीरे एक टीम इवॉल्व की। मेडिकल स्पेशलिटीज 19 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो डॉक्टर को पढ़ने होते हैं अपने एग्जाम में, तो धीरे धीरे 19 सब्जेक्ट्स की एक फैकल्टी टीम हमने बनाई। वो टीम को लेके फिर हमने सोचा हम क्यों ना ब्रांच आउट करें, और हमने और शहरों में अपना सेंटर खोलना शुरू किया। और ये सेम सेंट्रल फैकल्टी पूल को हम बाय एयर या बाय रोड जैसा भी कनेक्टिविटी बनता था उनको हम भेज के वहाँ हम करते करते 35 सेंटर तक पहुँचे। लेकिन जब हम 35 सेंटर पे थे तो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो थक चुके थे, वो ट्रैवल करते करते वो थक चुके थे, और वो और सेंटर खोलने के नाम पे लोग कहते थे हमें ये करना ही नहीं है। तो हमारे जो अब जो मेरा मन था कि मैं और आगे पहुँच सकूँ और शहरों में पहुँच सकूँ, और जो मेरे पास जो चैलेंज था कि कई शहरों में तो एयरपोर्ट भी नहीं है जहाँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज है और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट भी नहीं है। तो वहाँ अगर हम और यही सेम मॉडल में ही आगे बढ़ते तो हम ना पहुँच पाते जी। तब वो पॉइंट था जहाँ हमने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमने जो 99 से हमने शुरुआत की जी। और 2010 तक हम 35 सेंटर में पहुंचे, ओ। और 2011 से 2015 में अब हम 120 सेंटर्स में।
क्या बात, चार साल में 120 सर, जब हम इस टेक्नोलॉजी की बेसिकली बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑनलाइन का आता है। अगर हम वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की बात करें तो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पे दिखाना इज मच इजियर, लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें, क्या उसे इंटरनेट पे दिखाना इतना ही इजी है या थोड़ा मुश्किल है? नहीं, वो ही इजी है, बल्कि मैं कहूंगा इससे भी ज्यादा इजी है। सर्विस इज मच इजियर देन प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं क्या सर्विस देता हूँ, और आप उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको सलाह दे सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि मान लीजिए एक आदमी समस्या पूछना चाहता है टैक्स की जी, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास टैक्स का या जो भी टैक्स है, मान लो डायरेक्ट टैक्स है उसका या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास ये 5 कंसल्टेंट है या 20 कंसल्टेंट है, इनमें से किससे आप कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान है। आप पेमेंट भी उसे ऑनलाइन ले लेंगे और उनसे टाइम फिक्स कर देंगे कि आपको 5 मिनट की कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगी, आधे घंटे की कॉन्फ्रेंसिंग मिलेगी, तो वो भी आसान है। आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि इससे पहले आपने किन किन लोगों को सर्विस दी है ये वाली। तो मेरे को लगता है प्रोडक्ट और सर्विस ये दोनों आसान है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं, किस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब, अगर आपसे हम बात करें, जो आपका तरीका था स्टूडेंट्स तक पहुंचने का, VSAT के जरिए आप उन तक पहुंच रहे हैं, बट स्टार्टिंग दैट टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपका जब एक कोई दायरा बना हुआ होता है उसमें आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो स्टार्टिंग में तो पूरा हड़कंप मच जाता है। सो हाउ यू फेस्ड दैट थिंग इन योर विजन बेसिकली? शुरू में ना दो चीजें हमें चैलेंजिंग जो सबसे ज्यादा आई, एक तो स्टूडेंट्स का माइंडसेट। स्टूडेंट्स को आदत है कि टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ाएगा, अब वो स्क्रीन में है। हाँ। तो एक वो चैलेंज था कि शुरू में कई लोग ने, जब हमने एक अनाउंसमेंट ही की थी, लोगों ने बोला ये चलेगा नहीं, कोई नहीं आएगा, लोग को टीचर चाहिए, कोई टीवी पे थोड़ी देखेगा। दूसरा चैलेंज टीचर्स के लिए भी था, टीचर्स को भी एक बायो फीडबैक की आदत होती है कि जैसे थिएटर में रहता है कि आर्टिस्ट, टीचर जब पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स सर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, यहाँ वो उतना देख नहीं पाता कि वो जो बोल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है, तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व था टीचर्स के लिए भी, लेकिन शायद ज़रूरत इतनी स्ट्रांग थी कि धीरे धीरे सब अडेप्ट हो पाए। हमने उसमें स्टूडेंट्स के लिए भी एक तरीका बनाया कि वो लाइव जब टीचर पढ़ा रहा है उस समय पे उनके पास कीबोर्ड रहता है, वो चैट कर सकते हैं टीचर से कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मतलब बोल माइक लेके बात भी कर सकता है, वो टू वे कम्युनिकेशन है। लेकिन कई बार हमने क्लास में पूछना अजीब सा लगता है, मतलब हम लोग, मैं देखता हूँ, मैं जब खुद भी स्टूडेंट था मैं नहीं पूछ पाता था, तो लेकिन हमने उनको इनफॉर्मल एक तरीका दिया कि चैट कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट जैसे टीचर बोल रहा है उसका चैट मैसेज टीचर देख पता लगता है कि क्वेरी है, क्योंकि नॉर्मली ये झिझक होती है स्टूडेंट में कि मैं क्या पूछूं कैसे पूछूं, लेकिन वो टेक्स्ट करने में उसे आसानी है जी। और इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और कैसे उन्हें जीता जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। रेखा कहाँ हो? चलिए भैया। पीयू कहाँ है? पड़ोस वाले भाई साहब के यहाँ छोड़ आई हूँ। जिस लॉकर में कैश और गहने हैं उसकी चाबी भी पड़ोसी को दे दी ना। भला मैं अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब आप अपना कीमती सामान पड़ोसी के यहाँ नहीं छोड़ सकते तो बिटिया को पड़ोसी के पास कैसे छोड़ दिया? आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभले और अपनों को संभाले। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। हमारे पास एक सवाल आया है। द गर्ल इज ऑल्सो अ डॉक्टर एंड शी वॉन्ट्स टू से समथिंग दैट इज समवट रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली, तो हम चाहेंगे आप लोग एक बार जरूर से देखें। इन्वेस्टमेंट जैसे मैं जॉब करूँगी तो डेफिनेटली आई विल सेव, एंड सेविंग्स के अलावा मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ना कुछ किया हुआ है। डेफिनेटली दे आर थिंकिंग, दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट सिंस द डे आई गॉट एडमिशन इन माई MBBS, बिकॉज दे वॉन्टेड मी टू प्रैक्टिस इन प्राइवेट सिनेरियो इन माई होम टाउन। तो यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस की बात हो रही है बेसिकली। तो सर, अगर जो डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जी, लोन देने की जी। जितने भी अपने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी प्रोफेशनल के लिए अलग स्कीम है जी। जो डॉक्टर्स हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं और प्रोफेशनल हैं, उनके लिए अलग स्कीम है जिसमें पूरी स्कीम्स उन्होंने इस तरह से ड्राफ्ट की हुई हैं कि उसमें नए डॉक्टर्स को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए भी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्टर हैं प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं या दूसरे प्रोफेशनल, उन सबको लोन मिलता है। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट का इस चैलेंज को फेस किया था स्टार्टिंग में? जी, चैलेंज रहा शुरू में, लेकिन क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और शुरू में जो टीचर्स थे ज़्यादातर हमने खुद के रेफरेंस को ही लिया, तो इतना मतलब लोन लेने का हमें ज़रूरत शुरू में नहीं पड़ा। जी, नहीं पड़ा। अब आप एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने और बिजनेस को, तो अब आप देखते हैं लोनिंग की तरफ? बाय गॉड्स ग्रेस हमारा तरफ जो फ़ायदा ये रहा कि जो हमने जो चुना वो एकदम वैक्यूम था, मतलब डॉक्टर्स के लिए कोई इस तरह का क्लासेस का सिस्टम था ही नहीं। तो वो बिजनेस अपने आप ही फंड करता गया, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब मैंने जब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो इनका बिजनेस इतना बढ़ गया जी कि ये अब मेरे को लगता है कैश सरप्लस कंपनी बन गए हैं जी, तो इसलिए इनको लोन की जरूरत नहीं। हम उम्मीद करते हैं उससे, लेकिन ये नए इनोवेशन कर सकते हैं। उससे एडवांटेज क्या है कि उससे आप नए इनोवेशन कर सकते हैं, आप और बता सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट को आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं, कैसे आप सोसाइटी की ज्यादा मदद कर सकते हैं जी। कैसे उन डॉक्टर्स के साथ और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जब भी आदमी का बिजनेस स्टेज पे आता है तो उसको नए इनोवेशन करने चाहिए जिससे कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे मैं ऐड करूँ, जो डॉक्टर्स के साथ हमने सीखा कि डॉक्टर्स को इस तरह का क्लास का जरूरत है और उनको एग्जाम में कम्पीट करना है, हमने ये पिछले दो साल से ये चीज डेंटिस्ट पे भी शुरू किया। अच्छा, हाँ, हमने सेम प्रोग्राम हमारा, लेकिन टेक्नोलॉजी सेम, टीचर्स डेंटल वाले लेके जो डेंटिस्ट बीडीएस करते हैं उन्हें भी आगे स्पेशलाइज करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, तो वो एग्जाम की तैयारी भी हम कराते हैं। उसी तरह से हमने पिछले साल हमने शुरू किया कि जो डॉक्टर्स इंडिया से US जाके पढ़ना चाहते हैं उनके एग्जाम की तैयारी भी हमने फिर इस सेम नेटवर्क के थ्रू शुरू की। जब हम लोग इस तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करते हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो टेक्निकली भी हम बात करें तो वो भी आते हैं, देन इफ यू वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस फर्दर वहां पर भी कुछ दिक्कतें आती है। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे? सैटेलाइट सेशन शुरू करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था टू मेक दोज सेंटर्स इन एवरी सिटीज, एंड रोड परमिट्स नहीं मिलते थे एंड देयर वर अदर प्रॉब्लम्स, सो पर्सनली भी जाके देखना पड़ता था, रोड परमिट्स के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था, एंड थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। इफ़ द गवर्नमेंट कैन एड अस इन टर्म्स ऑफ कि हम अपने सैटेलाइट सेंटर्स जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में लगा सकें। ऐसा आप कुछ सोच रहे हैं अभी आगे करने का? जी, इसमें मैं ऐड करूँगा कि जो शुरू में हमने सैटेलाइट सेशन शुरू किए तो हर शहर के लिए एक OSP लाइसेंस करके रिक्वायरमेंट रहता था जी, जो हर लोकली अप्लाई करना पड़ता था, तो वो उस समय पे हर सेंटर के लिए नया लाइसेंस नया ऐसा चैलेंज रहता था। अभी वो थोड़ा सेंट्रलाइज्ड होने के कारण थोड़ा आसान हुआ है जी। दूसरा, हम लोग जो हमारा क्लासेस चलाते हैं वो उन शहरों में जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं जी। अब पिछले कुछ समय से कई मेडिकल कॉलेज खास ने ऐसा रिक्वेस्ट हमें दिया, खासतौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ उनका डिसीजन खुद का है कि क्यों ना आप अपनी क्लासेस हमारे ही इंस्टीट्यूट के अंदर ही चलाएं जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा, जो स्टूडेंट्स वहां पर आ रहे हैं उनको वहीं पर क्लासेस मिल सकेंगे और वो सप्लीमेंटल एजुकेशन उसका स्टूडेंट का उसी कॉलेज के कैंपस में ही हो गया, तो ये एक दिशा है जिसमें हम सोच रहे हैं अभी जी। और सर, इस तरह से जब हम लोग रोड परमिट्स वगैरह की बात करते हैं जिसमें स्टार्टिंग में आप लोगों को भी काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी, अब आपको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई है? अब बहुत हद तक इजी हो गई है जी, क्योंकि अब जैसा बताया डॉक्टर साहब ने खुद ही कि अब वो सेंट्रलाइज हो गया है लाइसेंस, पहले हर स्टेट का अलग लेना पड़ता था OSP लाइसेंस जिसे हम बोलते हैं जी, मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट से, तो अब वो सेंट्रलाइज हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा हमारी कंट्री एज ए कंट्री एज ए होल हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो इजी होती जा रही है चीजें जी, जी। क्योंकि अब वो लोग भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं ये सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए, बिल्कुल, तो वो भी अब जैसे कि हमारी ये कोशिश है कि सारी सर्विसेज ऑन डिमांड हो, डिजिटल हो, हम कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सर्विस डिमांड कर सकते हैं सरकार से जी, तो अब वो इजी होने वाला है, जैसे डॉक्टर ने बताया इजी हो गया और सब इजी होंगे सारे और भी बहुत आसान होने वाला है, तो अगर आपके पास कोई इनोवेशन है तो आप पूरे दिल खोल के उसके साथ आगे बढ़ सकते, जरूर बढ़ना चाहिए। उसके लिए तो अब नई स्कीम सरकार की होगी स्टैंड अप इंडिया,
हाँ बिल्कुल, इसका मतलब टेक्नोलॉजी जब नई चीज़ों को इनोवेट करती है तो उससे वाकई हमारे देश का और हमारे समाज का बहुत भला हो सकता है। और आप सभी दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप MSME सेक्टर में हैं और अगर आपने कोई नया इनोवेशन किया है जिसने आपके बिजनेस को रफ्तार दे दी है, तो हम यहाँ बिग बिजनेस आइडियाज़ के सेट पर कर रहे हैं आपका इंतज़ार। भारत का विकास लाखों MSMEs की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर MSME के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का जो आपने ईमेल के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, श्याम दास जी फरीदाबाद से हैं, ये पूछ रहे हैं, इनका कहना है कि इन्हें एक फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, क्या इन्हें मुद्रा बैंक से ज़मीन के लिए लोन मिल सकता है? नहीं, मुद्रा बैंक से ज़मीन के लिए लोन नहीं मिलता। Okay. मुद्रा बैंक की 3 स्कीम हैं जी। शिशु को 50,000 तक का लोन है, किशोर को 5,00,000 तक का है, तरुण में 10,00,000 तक का है, लेकिन उसमें लैंड के लिए लोन नहीं मिलता। लैंड आपके पास अपनी होनी चाहिए या किराए की होनी चाहिए। ओके। केरला से नल्ला मुत्तु हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कॉयर का प्रोडक्ट बनाता हूँ और ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है? जरूर कराना पड़ेगा। बाकी सब रजिस्ट्रेशन के अलावा coirwood.gov.in में जाके इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द कॉयर इंडस्ट्री। उसके लिए अलग बोर्ड बना हुआ है, वहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी। ये सवाल हमारे पास आया है हरियाणा से, धर्मपाल लाकरा जी हैं और इनका कहना है कि इन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 80,00,000 रुपए की जरूरत है और इनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी है लोन लेने के लिए, लेकिन गारंटर नहीं है, क्या इन्हें लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है इनको लोन जी। इनको लोन के लिए कोई सिक्योरिटी भी देने की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि उसके लिए MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक बनाया हुआ है मिनिस्ट्री ने, उसके तहत अगर ये उसके अंडर अप्लाई करेंगे तो इनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, उसमें 1,00,000 तक का लोन मिलता है। क्या बात है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आपने आगे और क्या विजन देखा हुआ है और आगे कौन सी और ऐसी आशाएं हैं जो आपके इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जिसे अब आप पूरा करना चाहते हैं? जी, मैं अब जो मेरा जो सोच है वो ये कि मैं स्किल्स में जाना चाहता हूँ। अभी तक हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन में रहे हैं, जैसे अभी हमने शुरू किया है एक प्रोग्राम लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये 2 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्टर्स को जो इमरजेंसी में बेसिक जो उसको लाइफ सपोर्ट देना है एक इमरजेंसी में मरीज को, वो हम ट्रेन कर रहे हैं। ये AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा हम इसे सर्टिफाई कोर्स देंगे। वेरी नाइस। इस तरह से मैं और स्किल प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ कि जहाँ हम डॉक्टर्स को अलग अलग स्किल्स भी प्रोवाइड करें। एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। बहुत जरूरी है क्योंकि इनके पास, डॉक्टर साहब के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, तो उसमें यदि ये सारे प्रोग्राम शुरू करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं, पैरा मेडिकल जितने भी कोर्सेज हैं, और डॉक्टर्स के लिए जो और इम्प्लॉयबल स्किल उनके पास आ जाएं, और साथ में वो एक सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है, लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है कि उन्हें फर्स्ट एड इस तरह से इमीडिएटली मिल सके। जी, आई मस्ट से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वी होप कि और बहुत सारे डॉक्टर्स को ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी आपसे बहुत फायदा होगा। और सर, अब वक्त आ गया है कि आपका बिजनेस मंत्र सभी व्यवसायियों तक पहुंचे, सो दैट कि वो उससे अपना बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि बदलाव जो है वो थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। बहुत सही डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करना है, समय तो हम वैसे भी कभी नहीं देते हैं किसी बहुत को। मुश्किल ना हो। बहुत मुश्किल नहीं है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। यू हैव टू रिएक्ट टू दिस वर्ड्स। हैप्पीनेस, फैमिली, एम, डैम्स, फन, वेकेशन, वेकेशन, विजन, एजुकेट एवरीवन, एंड लर्निंग, कंटिन्यूअस।
वेरी नाइस। आई मस्ट से आपने बीच में दो तीन सेकंड ज्यादा ले लिए, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा गेम खेला। मुश्किल तो आप इनाम के हकदार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो हमारे बिग बिजनेस आइडियाज की ओर से आपके लिए ये छोटा सा गुडी बैग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स अ लॉट सर। और दोस्तों, आपसे इजाज़त लेने से पहले ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में लोहे को ख़राब करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है उसका अपना जंग। इसीलिए खुद पर जंग मत लगने दीजिए और नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए। और बिजनेस अपडेट्स के लिए हमेशा देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज़ पावर्ड बाय टफ फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज़।